हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड स्मैशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो एचपीएससी का पीजीटी का सब्जेक्टिव पेपर होना है कंप्यूटर साइंस का, उससे रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे पहले यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसा कि हमें पता लग गया कि यार सब्जेक्टिव पेपर आना है, मतलब हमें अब प्रॉपर जो है वो लिखना है क्वेश्चंस के आंसर्स को, तो यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल होंगे, थ्योरेटिकल होंगे, मुझे कितने मतलब कितनी लाइंस में आंसर देना चाहिए, क्या उसके अंदर लिखना चाहिए क्या नहीं, तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो, सबसे पहले किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये तो देखो अभी उन्होंने सिर्फ ये बताया कि यार 3 घंटे का पेपर है, मतलब 180 मिनट है और 150 नंबर का पेपर है, 150 नंबर का पेपर है। तो यहां पे बाय डिफॉल्ट कईयों के दिमाग में ये आता है कि सर 15 क्वेश्चंस होंगे 10-10 नंबर के, तो 150 हो गया। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इस चीज का भी पता नहीं है। बट मेन फोकस अभी आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे ही करो कि यार जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसका, उस सिलेबस पे मेन हर एक टॉपिक को अच्छे से रीड करो ताकि आपको पता लगे कि यार मेरे को इसके अंदर अगर कुछ लिखने को बोले तो मैं कैसे इसका आंसर दूं। ये यहां पे अभी साइंटिस्ट बी का पेपर हुआ है अभी 2 अगस्त को, तो मैं उस पेपर को इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको थोड़ा सा इसके साथ रिलेट कर सकूं, क्योंकि एचपीएससी का ही पेपर है ये भी, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ वो भी कर दें आपके एग्जाम में। जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने 18 क्वेश्चन दिए, हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, पहले तो नोट कर लो, हर एक क्वेश्चन लिख लेना मेन मेन पॉइंट, हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है और 18 क्वेश्चन दिए हैं, तो यानी 180 नंबर का पेपर हो गया। लेकिन इन्होंने मेंशन क्या किया, अटेम्प्ट एनी 15, मतलब कोई भी 15 क्वेश्चन आप इसमें से कर सकते हो, यानी 150 नंबर का ही पेपर है, 3 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि 18 में से 15 करो। अब यहाँ पे जो 10 नंबर का एक क्वेश्चन है वो डायरेक्ट 10 का नहीं है, एक दो शायद डायरेक्ट 10 के भी हैं, लेकिन ज्यादातर इन्होंने क्या किया, जैसे 4+4 और 2, जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन रीड करता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक इन द अर्थ सिस्टम, 4+4, मतलब आपको यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक दोनों देने, पॉजिटिव फीडबैक के भी 4 हो गए मार्क्स, नेगेटिव फीडबैक के भी 4 हो गए, और फिर प्रोवाइड एग्जाम्पल विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द ग्लोबल वार्मिंग, उस चीज को ग्लोबल वार्मिंग से रेफरेंस करके बताओ एग्जाम्पल के साथ, तो 2 नंबर उसके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके कंप्यूटर साइंस में क्या आ सकता है, इसमें यह भी पूछा जाए कंप्यूटर साइंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म, 4 नंबर में सेकंड आ गई, 4 में थर्ड आ गई, और फिर नीचे कह सकते हैं कि प्लीज प्रोवाइड द एग्जाम्पल टू आंसर योर क्वेश्चन, तो यहाँ पे 2 नंबर उसके आ गए। तो ऐसे इस तरीके से आपको डिवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, कोई भी एस्पेक्ट जो क्वेश्चन में पूछा है वो छूटना नहीं चाहिए। क्यों, रीजन क्या है इसका, देखो सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव जब भी पेपर होता है ऑब्जेक्टिव को इवेल्युएट करना देखो कितना आसान है, मशीन्स होती हैं, ओएमआर आपने डाली उसमें, मशीन ने तुरंत आंसर दे दिया, 2-4 दिन में आप 1 लाख बच्चों की शीट भी इवेल्युएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव है, लाख से ज्यादा बच्चा पेपर देगा यार, 1 लाख तो देगा ही मेरे हिसाब से, इतना बच्चा जब पेपर देगा तो इसको इवेल्युएट मशीन नहीं करेगी, ह्यूमन करेगा, मतलब हो सकता है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, वो लोग इसको इवेल्युएट ऑब्वियसली वही करेंगे, हरियाणा में तो हरियाणा वाले ही करेंगे, मतलब कोई टीम उन्होंने बनाई होगी, बट है तो वो पढ़े लिखे वही प्रोफेसर टीचर्स ही हैं। तो साइकोलॉजी मैंने खुद वर्क किया है यार कॉलेज यूनिवर्सिटी में, 8 साल तक मैंने खुद एज ए प्रोफेसर काम किया है, जब हमारे पास भी एक दिन में 100-100 शीटें आती थी ना चेक करने के लिए, हम कीवर्ड ही देखते थे उसमें, जब पूरी शीट कौन पढ़ेगा एक एक लाइन, कोई भी नहीं पढ़ता, जितना मर्जी जोर लगा लो कोई एक्सेप्शनल ही होगा टीचर जो एक एक लाइन पढ़ेगा, ज्यादातर क्या करेंगे कीवर्ड चेक करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत आंसर देना है आपको, फालतू में नहीं कुछ भी लिखना, मैं ये इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो कीवर्ड्स है ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको अच्छे से मेंशन करनी है। जैसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एग्जांपल दिया, क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, तो यार आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म को अच्छे से मेंशन करो कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड, उसकी पूरे डेफिनेशन लिखो, ऐसे ही थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, पूरा लिखो फिर एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करो, ताकि पढ़ने वाले को लगे अच्छा ये क्वेश्चन था, उसके दिमाग में बना होगा कहाँ है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, कहाँ है, अच्छा लिखा है एग्जाम्पल, लिखा है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, कहाँ है एग्जाम्पल, लिखा है ओके मार्क्स दे दो भाई, ऐसे चलेगा ये चीज। तो जब ऐसे चलेगा तो आपको साइकोलॉजी के हिसाब से जो पढ़ेगा ना, जो इवेल्युएट करेगा, उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सोच के आंसर लिखना है। ऐसे ही देखो एक दो और कर लेते हैं अभी, हाउ कैन अडेप्टिव मैनेजमेंट बेस्ट बी अप्लाई टू, कुछ इकोलॉजिकल इस तरीके से यहां पे पूछा हुआ है, 6 नंबर का और एक 4 नंबर का, इस तरीके से आ गया। एक ये देखो
एक क्वेश्चन है 10 नंबर का, लेकिन ढाई ढाई के चार पूछ लिए उसके अंदर। जैसे यहाँ पे पूछ लिया व्हाट एनवायरनमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स माइट अराइज व्हेन अ फॉरेस्ट इज मैनेज्ड फॉर द मल्टीपल यूजर ऑफ कमर्शियल वाइल्ड लाइफ, इस तरीके से आपको चार दे दिए। तो आपको कहीं ना कहीं आपके रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि यार, जैसे पाइथन में आपसे पूछ लें कि यार मेरे को ये बताओ कि हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी, हाउ टू क्रिएट अ टपल, अगर आपको ऐसे कह दें डेटा फ्रेम को भी क्रिएट, तो इस तरीके से आपको हो सकता है व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज डेटा फ्रेम, व्हाट इज टपल, तो आपको अगर ऐसा दे दें तो हो सकता है 2.5 में। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, देखना कि मार्क्स किस तरीके से डिवाइड किए हुए हैं और उसी डिवीजन के हिसाब से आंसर लिखना। और जब भी हम बात करते हैं ना, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का क्वेश्चन है, ढाई, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना, कई बार इरिटेट हो जाते हैं लोग। कम भी बहुत नहीं लिखना, बहुत बड़ा भी लिखना, ये तो यार आप, अब ऐसा तो है नहीं कि सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के बच्चे हो कि मैं ये भी बताऊं कि 10 लाइनों में लिखो। एटलीस्ट आपको ये पता है कि यार ये शॉर्ट आंसर्स हैं, तो शॉर्ट को शॉर्ट में ही लिखो, क्रिस्प और क्लियर आंसर होना चाहिए। जहां पे आपको लगता है डायग्राम बन सकता है वहां पे डायग्राम बनाओ, जहां पे आपको लग सकता है कि यार मैं थोड़ा सा ये भी इसको हाईलाइट कर दूं, अंडरलाइन कर दूं, उसको करो ताकि बंदे को रीड करते हुए समझ आ जाए कि अच्छा ये चीज है। बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, इरिटेट हो जाता है बंदा, लेकिन बहुत शॉर्ट भी मत लिखना, मार्क्स कटने में आसानी हो जाएगी। कल को आप कहो कि मेरे मार्क्स क्यों अटे, वो कहेगा यार तूने तो अच्छे से लिखा ही नहीं। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इस चीज को करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे 10 नंबर का आया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट का भी आया हुआ है, तो ये एसे टाइप हो गया, एक्सप्लेन एसे टाइप में, तो देखो यार कहानी बनानी ही पड़ेगी आपको, प्रॉपर अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा, डायग्राम भी जहां बनता है बनाओ, टेबल अगर कोई है तो टेबल बनाओ, तो सारी चीजें आपको अच्छे से मेंशन करनी पड़ेंगी। और देखो क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन व्हाट, व्हाई, व्हाट, हाउ, डिस्कस, एक्सप्लेन, लिस्ट, मतलब सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी लेवल के हैं। मतलब हो सकता है ये पेपर थ्योरी वाला है इस वजह से, बट मैं चीज आपको पता है क्या बना, कई बार क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी, आपको सिनेरियो बेसिस पे, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी मत करना, सिनेरियो बेस्ड वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखेंगे आपको, व्हाट व्हाई वाले ही क्वेश्चन ज्यादा। हाँ न्यूमेरिकल जरूर आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में जो है वो इवैल्यूएशन जो है, इवैल्यूएटर को भी अच्छे से पता होगा उसका रिजल्ट तभी, तो कहीं ना कहीं आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि न्यूमेरिकल्स आएंगे नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं लिखने की, न्यूमेरिकल में तो आपको कोई ना कोई चीज निकालनी है, आंसर आपको निकालना है, तो आंसर जब आप निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो पता है कि यार मेरे को कितना लिखना है, कैसे मेंशन करना है, आंसर लिखना है, हेंस प्रूफ करना है, कुछ भी इस तरीके से। लेकिन जो थ्योरी वाला होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, और ये चीज होगी दिक्कत, ये दिक्कत आएगी। रीजन क्या है, एक को 10 में से 9 नंबर दे दिए और एक को 7 दे दिए 8 दे दिए, 1 नंबर का फर्क पड़ गया। अगर मैं हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही आधे या 1 नंबर का भी फर्क डाल दूं तो पूरे पेपर में हो सकता है 10-12 नंबर का फर्क पड़ जाए, और 10-12 से तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, मेरिट लिस्ट से बाहर भी हो सकते हो, अंदर भी जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस चीज को अच्छे से, तो अभी फिलहाल 40 डेज है, कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है सब्जेक्टिव हो गया, बट इसमें रोने की कोई जरूरत नहीं है कि सब्जेक्टिव हो गया, ये हो गया, चीज तो वही है यार, ऑब्जेक्टिव में तो सिलेबस तो वही है ना, सिलेबस तो नहीं चेंज हुआ, रोना तो तब आना चाहिए जब सिलेबस चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, कोई बात नहीं, चीजें तो पड़ी हुई हैं, बस उसको अब लिखना है, ये तो और भी ज्यादा आपके लिए आसान है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं यार, मैंने कई बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए, मैंने खुद देखा यार कि 2-2 बार 3-3 बार, सरकार ने क्या कम तंग किया हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या कम तंग किया हुआ, ऊपर से कोचिंग सेंटर वाले भी तंग कर रहे हैं कि हमारा कोर्स दोबारा परचेज करो क्योंकि अब सब्जेक्टिव हो गया, 2-2 बार 3-3 बार वैलिडिटी नहीं बढ़ा रहे यार, ये बिल्कुल गलत चीज है, पहले ही गवर्नमेंट ने क्या कम तंग किया हुआ, ऊपर से कोचिंग वाले, तो मैं इस चीज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। हम लोग हमेशा से इसी चीज के ऊपर कि एक बार कोर्स स्टार्ट कर दिया तो उसको जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम उसको पूरा वैलिड रखते हैं, मतलब आपने जिसने भी कोर्स लिया हुआ है एंड तक वैलिड रहेगा जब तक आपका पेपर नहीं होता। वैसे तो मैं चाहता हूं, भगवान से दुआ करता हूं कि इस बार पेपर हो जाए, अगर इनकेस डिले होता है तो आपकी वैलिडिटी तब भी बढ़ेगी, टेंशन मत लो। और जो लोग अभी लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप कोर्स को परचेज कर सकते हो, अभी भी 40 दिन है, आराम से तैयारी हो जाएगी। मैं अब लाइव क्लासेस इसके ऊपर स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप अभी इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, सबसे कम प्राइस और सबसे बेस्ट कंटेंट है, मैं बता रहा हूं आपको सबसे बेस्ट कंटेंट है, तो आप अभी इस कोर्स को जो है परचेज कर सकते हो अगर नहीं किया हुआ। और जिन्होंने किया हुआ है वो लाइव क्लासेस का शेड्यूल आपको मिल जाएगा ऐप के ऊपर भी, व्हाट्सएप के ऊपर भी, तो लाइव क्लासेस की वेट करो। लेकिन इन द मीनवाइल सिर्फ मेरी क्लास को प्रवेश नहीं करना, आपको रिकॉर्डेड सारा मिला हुआ है यार, क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिले हुए हैं,
उसको थोड़ा सा पढ़ो, रीड करो, रोज का एक बना लो कि यार मेरे को इस हफ्ते में ये दो सब्जेक्ट, नेक्स्ट हफ्ते में ये दो सब्जेक्ट, ये करने का कवर जब शेड्यूल बना लोगे तो डेफिनेटली आपको कोई रोक ही नहीं सकता यार, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा ही होगा। थैंक यू।